अबे ओए टिक नहीं चला सकता बाइक हैं, तेरी आंखें हैं बटन, अभी निकाल लूंगा बाहर। बाइक चलाने आती है साले को। भाई साहब मैं बाइक देख के चला रहा हूँ, आप फोन पे देख के चल रहे हो, और मैंने सही टाइम पे ब्रेक मार तो ली ना। क्या बकवास कर रहा है तू है, मेरे को मैं मोबाइल में देख के चल रहा हूँ, तेरे को बाइक चलानी नहीं आती, अभी बाइक चलानी सिखा दूंगा तेरे को। अपना मेरे सामने फालतू मत बोल दियो, सिखा दूंगा अभी तेरे को सबक। मैं भाई साहब बकवास आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, ठीक है तू संभाल के बात करो ना, तभी सिखा दूंगा तेरे को अकल। भाई साहब जवान आप संभाल के बात करिए। क्या कर लेगा तू, तू क्या कर लेगा बे? मैं क्या कर लूंगा? तू क्या कर लूंगा? मैं दिखा दूंगा क्या कर लूंगा, अभी दिखाऊंगा तेरे को क्या कर लेगा। मैं छोड़ यार, क्या कर रहा तू ये यार, इसको समझा, एक तो बाइक चलानी नहीं आती, बकवास कर रहा मेरे सामने, बहस कर रहा मेरे से। कोई बात नहीं यार, ले जा भाई इसे, ले जा, मैं हूँ इसलिए छोड़ दिया इसे, कोई पागल आदमी होता ना इसे मारी देता जान से। बकवास मत करियो, अरे जाना जा, चल चल आ जा यार। मैंने मेरे भाई क्यों करता है यार इतना गुस्सा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मेरे भाई। मैं जानता हूँ यार शेखर, लेकिन क्या करूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा यार, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है और नहीं बर्दाश्त होता मुझसे कुछ भी। अब मैंने मेरे भाई से सही टाइम पे कंट्रोल कर ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। तू एक काम किया कर ना, एक्सरसाइज किया कर, मेडिटेशन किया कर, इससे तेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। यार मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। चल तो अभी इतना स्ट्रेस मत ले, कहीं चलते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं थोड़ा, है ये शिखर पागल है क्या, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं यार, इतना टाइम थोड़ा लगता है आने में। अरे यार अभी बात करिए उससे, आ रहा होगा, उसे कुछ काम था। भाड़ में गया उसका काम, संदीप तू उसकी तरफदारी मत कर, उसका हमेशा का ड्रामा है यार, सारा मूड खराब करते मूवी देखने का। बस बढ़िया भाई, तू बता। बढ़िया। और मेरे मेरे भाई क्या हालचाल? मेरे को नहीं मिलाना तेरे से हाथ, बाहर में गया तेरा हाथ, समझ रहे ना, सारा मूड खराब कर दिया तूने मूवी देखने का, इतने मन से आया था, अगर ऐसी इंतजार कराना ना मेरे को, मैं तुली आगे से जा रहा हूं मैं, तुम दोनों जाओ देखने। यार पता नहीं क्या हो गया विनय को, इतना ज्यादा गुस्सा करता है यार, बचपन का दोस्त है, कब से समझा रहा हूं मत किया कर मत किया कर, डर लगता है यार अब कहीं कुछ गलत ना हो जाए इस वजह से। चल छोड़ शेखर, अब हम टिकट के पैसे तो वेस्ट कर नहीं सकते, चल मूवी देखने चल रहे हैं। सही कह रहा है, मूवी देखने चलते हैं, विनय को तो मैं बात में ला दूंगा, मान जाएगा। चल चले, अभी रुक यार थोड़ी देर, चलते हैं यार, देर हो रही है, तू क्यों नहीं समझ रहा है यार, चल फिर चलते, तू दो मिनट से पकड़ यार। यार तू पागल है क्या, पानी गिर दिया मेरे पर, कपड़े खराब कर दिए तूने, मैंने तो अपने आपको समझता क्या है, क्या इतना गुस्सा है, बार बार गुस्सा गुस्सा हद होगी यार, तेरे कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब तो सर पे चला जाएगा। शेखर मैं तो उसी आवाज में बात मत करियो। करूंगा उसी आवाज में बात, बता क्या कर लेगा तू। शेखर, शेखर मेरे भाई खड़ा हो, शेखर शेखर क्या हो गया तुझे, शेखर खड़ा हो मेरे भाई, शेखर शेखर खड़ा हो गया मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई मेरे से गलती हो गई, सॉरी शेखर। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को, मैंने तो खुदा माना। एक और तू ठीक कहता था, मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए शेखर। विनय, शेखर तू जिंदा मेरे भाई? हाँ मेरे भाई मैं जिंदा हूँ, मैंने मरने का नाटक किया था,
ताकि मैं तेरी आंखें खोल सकूं, ताकि मैं तुझे बता सकूं कि गुस्सा सेहत के लिए कितना खराब होता है। तुझे पता है मेरे भाई, पल भर के गुस्से से बड़े काम बिगड़ जाते हैं। गुस्सा जब आता है ना भाई, तो बुद्धि को हर लेता है। इसलिए मेरे भाई, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। और भाई, बात बात पर तो कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े बड़े रिश्ते पल भर में खत्म हो जाते हैं। भाई कभी कभार तो गुस्सा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसमें इंसान अंधा हो जाता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसी स्थिति में या तो खुद को नुकसान पहुंचा देता है या फिर किसी अपने को। इसलिए भाई, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। भाई मुझे उम्मीद है कि अब तुझे समझ में आ गया होगा और तू कभी गुस्सा नहीं करेगा। हाँ शेखर, मैं तुझे वादा करता हूँ, अब से मैं गुस्सा कभी नहीं करूँगा किसी के। चल मेरे भाई, आज तो नया जन्म हुआ है, तो इस बात पे मैं तुझे आज पार्टी दूंगा। चलें। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि बात बात पे गुस्सा करना सही नहीं है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बात बात पर गुस्सा करने से इंसान कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। दरअसल क्या होता है कि जो ये गुस्सा होता है, ये जब आता है ना, तो इंसान को एक अंधा टाइप का कर देता है। इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, उसकी सोचने और समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमें गुस्सा बात बात पर नहीं करना चाहिए। कुछ जायज़ जगह होती हैं जहाँ पर गुस्सा स्वाभाविक है कि आ जाता है, लेकिन बात बात पर गुस्सा करना गलत है, इससे खुद को नुकसान हो सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक छोटे से गुस्से से छोटी छोटी बात को, जिसको हम मजाक कहते हैं, उस पर भी हमारी दोस्ती बिगड़ जाती है या फिर रिश्तेदारी में कोई रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जबकि वो कोई बात होती नहीं, एक छोटा सा मजाक टाइप का होता है। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करना सीखे, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लेता है, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, क्योंकि गुस्सा कई बार बहुत काम बिगाड़ देता है। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लव यू ऑल, टेक केयर।